हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? वी आर डिस्कसिंग द यूनिट इलेक्ट्रिसिटी। फॉर स्टूडेंट्स वी हैव आल्सो डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ चार्ज एंड टाइप्स ऑफ चार्जेस। स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस हाउ वी कैन प्रोड्यूस चार्जेस एट रेस्ट एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ चार्जेस। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर इज नेगेटिव चार्ज। और आपको ये भी बताया कि पॉजिटिव का मतलब होता है स्टूडेंट्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नेगेटिव का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो व्हाट इज़ द कोज ऑफ चार्जेस, क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कोज ऑफ चार्जेस। उससे पहले स्टूडेंट्स, मैंने चार्ज की डेफिनेशन आपको बताया कि इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अराइजेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द ऑब्जेक्ट, दैट इज चार्ज। ठीक है, तो चार्ज की वजह से ऑब्जेक्ट्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन की फीलिंग प्रोड्यूस होती है, दैट इज चार्ज। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, व्हाट इज द कोज ऑफ चार्जेस। अब देख लीजिए, मैंने अभी बताया कि चार्ज को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं एट रेस्ट बाय फ्रिक्शन। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं कहता हूँ कि जब दो बॉडी को रब करते हैं, मान लीजिए एक बॉडी है उसका एटम ये है, मान लीजिए, ठीक है, दिस इज वन एटम, और अनदर बॉडी का एटम मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ स्टूडेंट, दिस इज द अनदर एटम ऑफ द बॉडी। ठीक है जी, ओके। अब बताया आपको एटम है, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं ऑर्बिट के अंदर रोटेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं ऑर्बिट के अंदर रोटेट करते हैं। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं ऑर्बिट्स में रोटेट करते हैं। ठीक है, तो व्हेन वी रब टू बॉडीज, तो दिस इज द एटम ऑफ वन बॉडी एंड दिस इज द एटम ऑफ अनदर बॉडी, व्हेन वी रब टू बॉडीज विद ईच अदर। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, जब हम दो बॉडी को आपस में रब करते हैं, इट मीन्स वी आर प्रोवाइडिंग एनर्जी, वी प्रोवाइड एनर्जी, हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो होगा क्या कि ड्यूरिंग रबिंग द बॉडी इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंडेड वी लॉस द इलेक्ट्रॉन। अच्छा बताइए कि ये दो एटम्स हैं, अब इसमें किस बॉडी के अंदर या किस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है इसके साथ इलेक्ट्रॉन्स की जो बॉन्डिंग है वो ज़्यादा है, ये नज़दीक है ना, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंडेड है, और ये क्या है टाइटली बाउंडेड है। तो इसका मतलब जिस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडेड है, वही इलेक्ट्रॉन को अगर कहीं से एनर्जी मिल जाए फ्रिक्शन से, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल सकता है। इट मीन्स द बॉडी इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंडेड विल लॉस द इलेक्ट्रॉन्स, विल लॉस द इलेक्ट्रॉन्स, और द बॉडी इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंडेड विल गेन द इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स इस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या टाइटली बाउंडेड है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकती है, लॉस नहीं कर सकती। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंडेड है, तो ये लॉस कर सकती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन बॉडी जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगी, तो ये क्या अक्वायर करेगा पॉजिटिव, और ये जिसने गेन किया वो क्या अक्वायर करेगा नेगेटिव स्टूडेंट्स। ठीक है, तो दिस इज़ द कोज ऑफ चार्जेस, बेसिकली यही चार्ज का कारण है कि पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब है कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन जाता है और दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो पॉजिटिव एक्वायर करेगा, और जो गेन करता है वो नेगेटिव एक्वायर करता है। तो दिस इज़ द कोज ऑफ चार्जेस स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड। अब स्टूडेंट्स बेसिकली देखा जाए, हम बात करना चाहते हैं कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो बेसिकली प्रॉपर्टीज चार्ज की क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, चार्ज का क्वांटाइजेशन होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, चार्ज कंजर्व भी रहता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, और क्या प्रॉपर्टी है चार्ज की बताइए स्टूडेंट्स, एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो चार्ज की क्या प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, सेकंड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, और थर्ड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या है, हम है ना ये तीनों प्रॉपर्टीज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है स्टूडेंट्स क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो व्हाट इज़ द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, ये बात करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या होगा बेसिकली, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, टोटल चार्ज ऑन बॉडी, इसकी डेफिनेशन देते हैं, टोटल चार्ज
ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या स्टूडेंट्स, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इट मीन्स किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज आएगा वो क्या आएगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। एन क्या यहाँ पे इंटीजर स्टूडेंट्स, एन क्या यहाँ पे इंटीजर, ठीक है। और ई क्या यहाँ पे, ई चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज स्टूडेंट्स, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, याद रखना है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। तो कहते हैं कि जब भी किसी बॉडी पर चार्ज लिखा जाएगा ना, वो इंटीजर का मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। इट मीन्स इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। एन यहाँ पे क्या नंबर है, और इंटीजर मतलब कंप्लीट नंबर होगा, फ्रैक्शन में चार्ज कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो जैसे स्टूडेंट्स देखते हैं कि क्या इज इक्वल टू 5e, तो 5 यहाँ पे क्या है, इंटीजर है, और e के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। e क्या यहाँ पे फंडामेंटल है, e सभी के साथ आएगा, क्योंकि e क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है e, और किसी बॉडी ने अगर 5 इलेक्ट्रॉन लॉस किए या गेन किए तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर मैं कहूँगी क्या इज इक्वल टू 3/4e, क्या ये पॉसिबल है, क्या इज इक्वल टू 3/4 पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि 3/4 क्या है, फ्रैक्शन नंबर है, इंटीजर नहीं है 3/4। इट मीन्स किसी बॉडी पे अगर टोटल चार्ज की बात करें तो वो इंटीजर मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मैंने अभी लिख दिया है, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। इसको क्वांटाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्वांटा, इसलिए इसका नाम आया क्वांटाइजेशन, क्योंकि मिनिमम चार्ज कितना था इलेक्ट्रॉन पे, दैट इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये होता है। तो मिनिमम चार्ज ऑन बॉडी दैट इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और किसी भी बॉडी पे अगर आपको चार्ज दिख रहा है तो दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, एन यहाँ पे इंटीजर होगा। इसका मतलब जब भी दो बॉडी को आप रब करोगे, अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि दो बॉडी को जब रब करते हैं चार्ज एक्वायर करते हैं बॉडी, तो जब भी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन रब कर सॉरी ट्रांसफर करते हैं तो वो इंटीजर नंबर में ही होगा। तो चार्ज कभी भी फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता। हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन 5/7 गेन किया है लॉस किया, क्योंकि 5/7 क्या है, कंप्लीट नंबर नहीं है भाई, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि किसी बॉडी ने मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करे, तो क्या लिखोगे, क्या इज इक्वल टू एन ई, एन कितना यहाँ पे 100 × e, दैट इज क्या। अब किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन 100 इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो लॉस करे तो क्या एक्वायर करेगी वो, पॉजिटिव, और अगर गेन किए तो नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब क्या इज इक्वल टू, हम ऐसे लिखेंगे एन ई, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस, क्या लिखेंगे यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है। तो पॉजिटिव का मतलब होता है बॉडी में इलेक्ट्रॉन लॉस करे, और नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन किए, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब समझ में आया आपको कि किसी बॉडी पे जो टोटल चार्ज है दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अच्छा, आपको यहीं से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज द मिनिमम चार्ज ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी पे मिनिमम से मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, तो मिनिमम से मिनिमम कितना हो सकता है, एक वन इलेक्ट्रॉन, तो एन की वैल्यू कितनी हो सकती है 1, तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है। तो मिनिमम चार्ज ऑन ए बॉडी दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, आप ये आंसर दोगे भाई, याद रखना, मिनिमम चार्ज ऑन ए बॉडी दैट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। यहाँ पे कूलम क्या है, कूलम क्या है, चार्ज की यूनिट है भाई, ऐसा यूनिट, चार्ज को इसमें मेजर करते हैं भाई, कूलम में मेजर करते हैं, ठीक है, याद रखना। अब यहीं पे स्टूडेंट्स मैं आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया आपको कि व्हाट इज़ द कोज ऑफ क्वांटाइजेशन, व्हाट इज कोज ऑफ क्वांटाइजेशन। अभी आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस पढ़ा, तो क्यों क्वांटाइजेशन का रीज़न क्या है, क्यों बॉडी क्वांटाइज होती है। तो देखो, अभी मैंने बताया था कि जब दो बॉडीज़ को आपस में रब करेंगे, जब दो बॉडीज़ को आपस में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, रब करेंगे, तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी और दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, गेन करती है, ठीक है। तो जब भी ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन्स का वन बॉडी टू अनदर, वो इंटीजर नंबर में होगा, क्या होगा, इंटीजर नंबर में होगा, फ्रैक्शन में कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो कोज ऑफ क्वांटाइजेशन का मतलब है ड्यूरिंग रबिंग ओनली इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, ये बात आपने याद रखनी है, ड्यूरिंग रबिंग ओनली इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, ठीक है, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यही आपका क्या है, क्वांटाइजेशन का कोज है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जब दो बॉडी को रब करते हैं तो रबिंग के दौरान सिर्फ इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, ठीक है,
चार्ज कभी भी फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं करेगा, ये आपने याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन। अच्छा आपसे कुछ पूछ लिया जाए कि किसी बॉडी पे मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, वो मैंने बता दिया क्या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के इक्वल। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है स्टूडेंट्स, वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस क्वेश्चन करेंगे इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे स्टूडेंट्स। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।